हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हाईवे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज एंटोनिम से डे 6 आपके साथ 5 वर्ड्स नए डिस्कस करेंगे, और आई होप आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगता है। और आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत ही बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आपसे और करूँगा कि आप लोग इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और जिससे कि वो लोग भी हमारे इस 5 वर्ड से वाकिफ हो पाए, सीख पाए कुछ, वो भी कुछ नया कर पाए, तो हम लोगों का एक समाज जो है एक अच्छे मतलब कुछ मीनिंग, तो ये मैसेज फॉरवर्ड करने की जगह तो आप कुछ अच्छा करेंगे तो आप का भी कुछ अच्छा ही होगा। आई होप आप सभी का, जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये सेशन आप सभी लोग जरूर मेरा सभी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे भी लेक्चर बनाने में आसानी हो और मुझे भी लगे कि मेरे लेक्चर जो है अच्छा है, और मैं और भी बेहतर लाने का प्रयास करूँगा आपके साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, और सर्दी भी बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें, जब आपकी सेहत सही होगी तो आपकी स्टडी भी सही होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने ये 5 वर्ड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला वर्ड है कन्फेस। फ्रेंड्स, कन्फेस मींस होता है फ्रेंड्स स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना होता है फ्रेंड्स, स्वीकार करना। इसे हम लोग एक्सेप्ट भी कहते हैं, एक्सेप्ट मींस भी स्वीकार करना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट है, एंटोनिम्स हम लोग डिस्कस करते हैं, ये है डिनाय। डिनाय मींस होता है मना करना, मना करना, डिनाय, मना करना। ठीक है, मतलब कन्फेस मींस हो जाता है स्वीकार करना, और डिनाय मींस हो जाता है मना करना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आपका एसएससी 10+2 का फॉर्म आ चुका है फ्रेंड्स। अगर आप ये सेक्शन क्लियर करते रहे तो आई होप आप लोगों को बहुत सारा मीनिंग से फंसने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के कंपेयर। कंपेयर तो बहुत आप लोगों ने वाकिफ है, इसमें कोई नया वर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, तुलना करना। ठीक है, कंपेयर मीन्स क्या होता है, तुलना करना, यानी कि देखना कि जैसे तुलना करना, मतलब दो व्यक्ति हैं, दो लड़के हैं, वो देख रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, ये दोनों लोग कंपेयर कर रहे हैं आपस में। या कोई कपड़े लेके आए हैं दोनों लोग, तो दोनों लोग अपने अपने क्लास जो है कंपेयर कर रहे हैं, किसका अच्छा है किसका गंदा है किसका सही है, ये कंपेयर। कंपेयर मीन्स तुलना करना। ठीक है, और ये नेक्स्ट वर्ड है काफी अच्छा है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स होता है फर्क दिखाना, फर्क दिखाना, फर्क दिखाना का मतलब हो जाएगा मतभेद करना, ये फर्क दिखाना, फर्क दिखाना। यहाँ पर कंपेयर करना कि मेरा आपके जैसा है या बिल्कुल सेम है या कुछ इस क्वालिटी से है ना, और यहाँ पर कंट्रास्ट मीन्स फ्रेंड हो जाएगा CONTRAST। कंट्रास्ट मीन्स फर्क दिखाना या अलग अलग दर्शाना। ठीक है, अलग अलग दर्शाना कि भाई मेरा 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 जो है शर्ट जो है मेरा जो है 500 का है और आपका जो है 2000 का है, ये फर्क दिखाना, मतलब इस तरीके से अलग अलग करना। ठीक है, देखिए करेजियस, करेजियस मीन्स होता है साहसी, बड़ा उत्साह भरने वाला वर्ड है साहसी। हमने कहा साहसी लोग ही, साहसी लोग ही एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, सभी के बस की बात नहीं है। करेजियस मीन्स होता है साहसी, साहसी, जिसमें जो लोग साहसी व्यक्ति हैं वही कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर है टिमिड, टिमिड मीन्स होता है डरपोक, डरपोक लोग कुछ नहीं कर सकते, डरपोक कुछ नहीं कर सकते। करेजियस स्पेलिंग देख लेना फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, CONTRAGEOUS। बड़ी लग रही है लेकिन है बहुत आसान, करेज यस, करेज यस, करेजियस मीन्स होता है साहसी, और टिमिड मीन्स होता है डरपोक। क्रिएशन, क्रिएशन मीन्स होता है रचना, रचना, ये नाम भी हो सकता है गर्ल्स का नाम है रहे, रचना वो वाली नहीं, रचना मतलब निर्माण करना, निर्माण करना, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का निर्माण करना। क्रिएशन मीन्स होता है रचना या निर्माण करना या बनाना। और यहाँ पर है डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है उजाड़ना, यानी कि बिगाड़ना या गिराना,
डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है बना, बनाया, गिराना, और ये यहाँ पर बनाना। डिस्ट्रक्शन DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है, डिस्ट्रक्शन मीन्स हो जाएगा आपका विनाश करना। क्लियर गाइस? यहाँ पर अगर एक शब्द ने तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विनाश करना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और ये लास्ट वर्ड है, काफी अच्छा है, देखते हैं। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप लोगों को काफी होगा कि भाई कॉन्फिडेंस है कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा, तो विश्वास है। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। क्या मतलब? विश्वास। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, समझ पाए? कॉन्फिडेंस। और ये देखिए नया वर्ड है, कॉन्फिडेंस तो आपने सुना होगा, लेकिन ये है डिफिडेंस। डिफिडेंस मीन्स देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, डिफिडेंस मीन्स देखिए, डिफिडेंस मीन्स होता है संकोच। संकोच, यहाँ पर आपको विश्वास है पक्का, यहाँ पर आपको संकोच है कि होगा कि भी नहीं होगा, तो ये वाले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। आई हो, ये नहीं, जिन्हें विश्वास है उन्हीं का सब है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिफिडेंस, DIFFIDENCE, ये डिफिडेंस मीन्स होता है संकोच। क्लियर गाइस? यहाँ पर विश्वास है, यहाँ पर संकोच है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये वर्ड क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स अपने सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न से ही चलते हैं, और यहाँ पर मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपके साथ शेयर किया जा रहा है। काफी डिस्कवर मीनिंग है ये, काफी ये सर्चेबल मीनिंग है, जिससे आप लोगों को एग्जाम के पैटर्न से ही दिया जा रहा है। क्लियर गाइस? तो थैंक यू गाइस।